नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फैटी लीवर की समस्या के बारे में और फैटी लीवर को किन किन आयुर्वेदिक औषधियों या दवाइयों का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। मतलब कि अगर हमें फैटी लीवर हो जाए तो हमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए ताकि हम फैटी लीवर की समस्या को ठीक कर सकें। आजकल की फटाफट जीवन शैली और खान पान में भी व्यापक बदलाव का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे लीवर पर ही पड़ रहा है और इसके कारण लीवर से संबंधित बीमारियां ज़्यादा हो रही है। लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों से लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और इसी कारण से फैटी लीवर की समस्या भी आजकल बहुत कॉमन हो गई है और लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्या है। और क्योंकि लीवर हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए लीवर में खराबी आने या लीवर में किसी प्रकार की कमजोरी का असर पूरे शरीर पर दिखाई देता है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए हमारे लीवर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, लीवर का सही तरीके से ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी विषय फैटी लीवर के बारे में और फैटी लीवर को ठीक करने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, और आप सभी का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी आपको सरल और आसान भाषा में मिलती रहे। और अगर आप मुझसे किसी बीमारी के संबंध में या बीमारी के इलाज के बारे में परामर्श या सलाह चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके, फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा मात्र 150 रुपये पे करके व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय को और जानते हैं कि फैटी लीवर क्या होता है। फैटी लीवर मतलब लीवर में एक्स्ट्रा फैट का जमा होना। जिस प्रकार हमें मोटापा होने पर हमारे पेट में, हमारे कमर के आसपास या पूरे शरीर में चर्बी या वसा की एक परत चढ़ती जाती है, उसी प्रकार फैटी लीवर की समस्या में लीवर में भी फैट धीरे धीरे जमा होने लगता है। मतलब कि हमारा लीवर मोटू होने लग जाता है और लीवर में इसी अतिरिक्त या एक्स्ट्रा फैट जमा होने की स्थिति को ही फैटी लीवर कहा जाता है। और यह फैटी लीवर की समस्या दो प्रकार की होती है, अल्कोहलिक फैटी लीवर तथा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर उनको होता है जो रेगुलर मतलब रोज़ तय मात्रा से अधिक मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर उनको होता है जो लोग शराब तो नहीं पीते हैं या कम मात्रा में पीते हैं, लेकिन रोज़ हाई कैलोरी, हाई शुगर, हाई फैट, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, इस प्रकार का या तला भुना अधिक मसाले वाला खाना ज़्यादा खाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनको भी लीवर में समस्या होती है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है मतलब कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं लेकिन अपने खाने का सही ढंग से हिसाब नहीं रखते हैं, उनका भी लीवर ख़राब होता है और उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की समस्या होती है। और इस फैटी लीवर की बीमारी को 3 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 में माइल्ड होता है, ग्रेड 2 में मॉडरेट और ग्रेड 3 सीवियर कंडीशन होती है। और इसका पता हम USG मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा या CT स्कैन के द्वारा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अचानक से पता चलता है कि आपको फैटी लीवर की समस्या हो गई है, फैटी लीवर की बीमारी हो गई है, तो आपको अचानक से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह बीमारी बिल्कुल आसानी से थोड़े सा परहेज करके, थोड़ा सा दिनचर्या में बदलाव करके और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करने से आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इस फैटी लीवर की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया और इसका इलाज नहीं कराया जाए तो यह धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकती है और सिरोसिस ऑफ लीवर या लीवर फेल्योर की स्थिति भी आ सकती है। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं फैटी लीवर को ठीक करने वाली आयुर्वेदिक औषधियों तथा दवाओं के बारे में। फैटी लीवर की समस्या को ठीक करने के लिए सबसे पहली दवाई है आरोग्यवर्धनी वटी। लीवर की सभी प्रकार की समस्याओं के लिए आरोग्यवर्धनी वटी का उपयोग अत्यंत लाभकारी होता है। यह एक हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन वाली दवाई होती है और इसका मुख्य घटक कुटकी होता है जो कि पित्त का विरेचन करने का काम करता है, मतलब कि एक्स्ट्रा पित्त या बाइल को हमारे शरीर से निकालने का काम करता है। और इसका उपयोग करने से सूजन कम होता है, एनीमिया यानी ब्लड की कमी दूर होती है और यह हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है।
लीवर के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है और लीवर के फंक्शंस को नॉर्मल करता है। अतः लीवर से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आरोग्यवर्धनी वटी एक बहुत अच्छी दवाई है। इसे प्रतिदिन खाना खाने के बाद एक एक या दो दो गोली की मात्रा में 2 से 3 बार लेना चाहिए। त्रिफला गुग्गुलू, फैटी लीवर की समस्या के लिए त्रिफला गुग्गुलू भी एक बहुत अच्छी दवाई है। त्रिफला पूरे शरीर के लिए अमृत के समान फायदेमंद होती है तथा शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखता है, और इसमें मिला हुआ गुग्गुलू हमारे शरीर में से एक्स्ट्रा फैट मतलब कि खराब वसा या चर्बी को पिघलाने का काम करता है, शरीर से निकालने का काम करता है। इस दवा को भी 1 या 2 गोली की मात्रा में सुबह और रात में गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। और इसी प्रकार यकृत, प्लीहारी लौह, नवायस लौह, इन दवाइयों का उपयोग भी किया जाता है। इसी प्रकार चूर्ण में भूनिम्बादी चूर्ण, रोहितक चूर्ण, इनका उपयोग भी फैटी लीवर की समस्या में किया जा सकता है। इन चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और रात में खाना खाने के बाद लेना चाहिए। और इसी प्रकार फैटी लीवर की समस्या के लिए आसव और अरिष्ट की बात करें तो पुनर्नवारिष्ट, रोहितकारिष्ट, काल मेघ आसव, पिपल्यासव और पतंजलि का सर्वकल्प क्वाथ, इन्हें 10 से 15 ml की मात्रा में 1 गिलास पानी के साथ मिलाकर लेने से फैटी लीवर की समस्या में आराम मिलता है। और इन सभी के अलावा अलग अलग दवा कंपनियों के लीवर प्रिपरेशन का उपयोग भी लीवर की समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि एमिल कंपनी का एमलिक्योर DS सिरप, हिमालया कंपनी का लीव 52 सिरप, पतंजलि का लीव अमृत सिरप, वैद्यनाथ का लीवर एक्स सिरप, डाबर का हिपेनो सिरप, इन सभी आयुर्वेदिक लीवर सिरप का उपयोग भी फैटी लीवर की समस्या में अत्यंत लाभकारी होता है। और इन सभी सिरप के अलावा आप सुबह खाली पेट में एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, साथ में आंवला का जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं। ये सभी जूस भी फैटी लीवर की समस्या को कम करते हैं। लेकिन इन सभी दवाओं का उपयोग करने से पहले एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लेनी चाहिए और उनके हिसाब से ही दवाई लेनी चाहिए। और आइए अब हम जानते हैं कि फैटी लीवर की समस्या में हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि हमें फैटी लीवर की समस्या हो ही ना। फैटी लीवर की समस्या से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने खान पान में बदलाव करना चाहिए। हमें घर का ही बना हुआ शुद्ध और पौष्टिक खाना खाना चाहिए जो कि कम तेल मसाले में बना हुआ हो। फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सभी को खाने से बचना चाहिए। अधिक तेल मसाला वाला, ज़्यादा मैदा बेसन वाला भी खाना नहीं खाना चाहिए। इसके बदले हमें होल ग्रेन मतलब साबुत अनाज वाला घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए और अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां एवं मौसमी फलों को अवश्य शामिल करना चाहिए तथा संतुलित आहार लेना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो अपने कैलोरी में कट करना चाहिए, खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपने दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बिल्कुल भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन 1 घंटे के लिए फिजिकल वर्कआउट अवश्य करना चाहिए। फैटी लीवर की समस्या से बचने के लिए अपना मोटापा कंट्रोल में रखना चाहिए, अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहिए तथा अगर आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर की बीमारी वालों को फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अतः शुगर लेवल भी मेंटेन रखना चाहिए। इसी प्रकार शुगर के अलावा जिनको बीपी की समस्या होती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है, उनको भी फैटी लीवर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि ये सभी समस्याएं कम हो और फैटी लीवर की समस्या ना हो। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को अपनाकर और बताए गए दवाइयों को लेकर आप अपनी फैटी लीवर की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फैटी नहीं, फिट रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।